कनिका शर्मा सूद हैं और मैं यहाँ पे एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मैम, वर्ल्ड कैंसर डे है आज, किस तरीके से जो आपका धर्मशिला नारायण अस्पताल है, किस तरीके से अब अवेयरनेस ला रही हैं, किस तरह क्या कार्यक्रम था पूरा थोड़ा लॉट बोलिए। जी, जैसे कि इस कार्यक्रम में मैंने बताया कि हम बहुत कोशिश करते हैं कि अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हर रोज़ लगभग 2500 लोग तम्बाकू इंड्यूस्ड बीमारियों से मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं। हिंदुस्तान में लगभग 15% कैंसर बच्चों में पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही दुखद बात है। तो अवेयरनेस तो हम साल भर फैलाते हैं, पर लोग उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनको लगता है डॉक्टर भी इनका काम है बोलते हैं। आज का दिवस जो है उसको हमने नाम दिया चेतना, उसका मतलब है टू बी कॉन्शियस ऑफ योर ओन सेल्फ। और हमने डिसाइड किया कि ये चेतना वो फैलाएंगे जो इस बीमारी से उभर कर आए हैं, जो कि कैंसर विनर्स हैं, लोग उनको सीरियसली सुनेंगे। जिसके शरीर पर जिसने बर्दाश्त किया है इस बीमारी का दर्द, उसकी आवाज़ सुनी जाएगी। तो ये चेतना आज हम फैला रहे हैं। सारा कार्यक्रम हमारे कैंसर विजेताओं ने किया है, उन्होंने नृत्य नाटिकाएँ स्किट के रूप में कैंसर के क्या प्रमुख चिन्ह होते हैं, क्या इलाज होता है, क्या गलत धारणाएं हैं जो नहीं हैं कैंसर को लेके, वो उन्होंने तोड़ी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी दर्शाया है कि कैंसर के बाद भी ज़िंदगी है। महिलाओं ने रैंप वॉक किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि शरीर का टेढ़ापन होना या एक स्तन का ना होना स्त्री की सुंदरता कम नहीं करता है। यदि वो अंदर से फील करती है कि वो खूबसूरत है, तो कैंसर उसको बदसूरत नहीं कर सकता है। ताकि लोग घृणा की नज़र से भी ना देखें कैंसर वालों को, या ये सोच के कि ये तो बेचारी है। तो ये भी एक चीज़ है जो सोसाइटी को हमने समझाना है कि वो भी हमारी तरह नॉर्मल लोग हैं, और उन्हें पूरा मौका दिया जाना चाहिए सोसाइटी में आगे बढ़ने का। साथ ही साथ एक मैसेज जो देना चाहेंगे कि तम्बाकू के लिए हमेशा ही अलर्ट रहें कि बच्चों के हाथ ना जाए। बहुत बार मैं देखती हूँ पान वाले की दुकान पे बच्चा तंबाकू लेने जाता है, सिगरेट लेने जाता है। मैं कहती हूँ भैया क्यों बेचा आपने इसे? कहता है इसके पापा ने मंगाया, इसके भाई ने मंगाया। तो प्लीज़ अपने बच्चों को बचाएं इससे, क्योंकि आज से 20 साल बाद हम संभाल नहीं पाएंगे। ये तंबाकू के कैंसर इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि हम बिल्कुल ही हमारे हाथ बंद जाएंगे।